स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। लॉक अनलॉक पर सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने दो चरण का लॉकडाउन करने का फैसला लिया था, जिसका पूरा अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया था। गुरुवार को लॉकडाउन की अंतिम तिथि थी और लॉकडाउन को लेकर कलेक्टरों ने बैठक की और इसके तहत कई शर्तों के आधार पर लॉकडाउन खोलने की घोषणा की गई। हालांकि इस पर विपक्ष ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा, लॉकडाउन खोलने का विषय काफी गंभीर है और सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कोरोना हमारे बीच से अभी तक गया नहीं है, व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए, अर्थव्यवस्था सुधरनी चाहिए। हालांकि संजय श्रीवास्तव के बयान पर करारा जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, सरकार हर तरह से कोरोना और लॉकडाउन को लेकर लोगों के हितों में ही फैसले ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के बयान पर कहा, सरकार के किसी भी निर्णय पर बयान जारी करना और विरोध करना बीजेपी का यही कार्य है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं बचा है। सरकार ने लॉकडाउन का संपूर्ण अधिकार जिलों के कलेक्टरों को सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कही गई बातें केवल हवा हवाई होती हैं। हर फैसले का विरोध बीजेपी करती है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस और कैबिनेट मंत्री का भी, क्योंकि जिला कलेक्टरों ने लॉकडाउन खोलने की घोषणा कर दी है। गुरुवार आखिरी दिन जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन अनलॉक की जो प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से, उसको लेकर सियासी घमासान मचा है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के साथ में 6 तारीख के बाद राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन खोलने के जो निर्देश की सूचनाएं आ रही हैं, ये वास्तव में एक गंभीर विषय है। लॉकडाउन खुलना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, लोगों की गतिविधियां आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इस बात का भी ध्यान शासन को होना चाहिए, जिला प्रशासन को होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। इन छत्तीसगढ़ राज्य में सभी पक्षों को ध्यान में रखकर के मुख्यमंत्री जी कोई भी निर्णय ले रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर के भी उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को पावर जो है उनको डेलीगेट कर दिया है और ऑथराइज कर दिया है कि सभी कलेक्टर्स अपने जिले में व्यापारिक जो संगठन है उनसे बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से बात करके सभी पक्षों को ख्याल में रख करके कोई भी निर्णय लेंगे। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बड़ा जल्दी में बयान जारी करना है, क्योंकि कुछ भी करिएगा तो लोगों के खिलाफ में ही बोलना है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पे उन्होंने निर्णय लेकर के ये अधिकार कलेक्टरों को दे दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना ये सत्य से परे है, हवा हवाई है। अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ज़्यादा वक्त तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। गुरुवार के दिन लॉकडाउन की अवधि खत्म हुई, अनलॉक की तरफ छत्तीसगढ़ राज्य एक बार फिर से बढ़ेगा, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बहरहाल इस पर हम चर्चा करते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा के लिए। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। दोनों का स्वागत है भगवत डीएन पर। शुरुआत में आपसे करूंगा चक्रवर्ती साहब की, बीजेपी ने आपत्ति जताई है अनलॉक करने को लेकर, नहीं जताई लेकिन उसको लेकर रूपरेखा जो तैयार की गई है, बीजेपी का ये कहना है कि कोरोना काल अभी हमारे बीच से गया नहीं है। आप भी हकीकत बयां कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर भी अब अनलॉक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले 8 बजे तक बाजार खुलते थे, अब कल से 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन क्या रूपरेखा को लेकर आपत्ति बीजेपी को? छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को जब पहले ही अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने जिले में हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अपने मुताबिक फैसला ले सकते हैं,
तो आपत्ति बीजेपी को किस बात से? आपत्ति है कि जिस प्रकार से मार्च में जब कोरोना काल से लेकर हम इतने बाहर चले जा रहे हैं और आज जब अगस्त में जब त्योहारों का सीजन था, पूरे घटनाक्रम को अंकुश जी आप देखेंगे तो जिस प्रकार से जो स्थानीय छत्तीसगढ़ की सरकार है बहुत या तो पैनिक और पेंडम बनाने की कोशिश की या बहुत ही लाइटली कि सीधे सीधे रात के 9 बजे तक व्यापार की खुली छूट दे दी और इतना दहशत का माहौल बना दिया। तो जो पूरी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से आईसीयू में तब्दील हो गए, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी लापरवाही से और बहुत सारे दीगर जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो इन्होंने जिस प्रकार से प्रबंध किया वो प्रबंध फेल हुआ और जिस छत्तीसगढ़ का दावा करते थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम है, मृत्यु दर कम है, वो उनकी कलाई खुल गई है। और कलाई खुलने के कारण इन्होंने अभी क्या किया कि सीधा अचानक से ये लॉकडाउन किया, वो व्यापारियों के साथ अच्छे से विचार विमर्श में एक तरफा निर्णय, व्यापारियों की बैठक बुलाई गई थी और बैठक बुलाने के बाद जिस तरीके से एक तरफा निर्णय ले लिया और आप देख रहे हैं कि जो अभी आर्थिक मंदी चल रही है पूरे विश्व में कोरोना की वजह से, तो जो निर्णय लिया गया उस निर्णय में बहुत झोल झाल था और ठीक से वो प्रबंध नहीं कर पाए, इसीलिए कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, गलियों से बाजार से निकलता हुआ घर घर में पहुंच चुका है। और ये छत्तीसगढ़ की सरकार बोलती थी कि हमने कोरोना में नियंत्रण कर लिया। आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए, आप उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, वहां पे जिस प्रकार से कोरोना का नियंत्रण हुआ है और जिस प्रकार से उड़ीसा एक हमारे समवर्ती राज्य है, हमारे पास का राज्य है, वहां केवल सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक व्यापारिक गतिविधियां सारी गतिविधियां होती है, सभी सामान उपलब्ध हो जाते हैं, व्यापार भी चल रहा, कोरोना पर नियंत्रण भी है। तो इस प्रकार से जब आप आइडियल कोई चीजों को लेते हैं तो उस आइडियल चीजों में आप एक उनके मॉडल को आप अपना सकते थे, लेकिन यहां पर प्रशासनिक अधिकारी जानते नहीं कि किस प्रकार से जनता भयभीत है, अधिकारी जानते नहीं है क्योंकि अधिकारी कमरे में बैठकर निर्णय लेते हैं। तो अधिकारियों के भरोसे में आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो वो निर्णय ही गलत है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना पर नियंत्रण हो, हम इस पर वाद विवाद न करें और कंधा से कंधा मिलाकर कोरोना पर नियंत्रण करें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में यह महामारी का रूप लेता जा रहा है और सब दुखी है, व्यापारी दुखी है, लेबर श्रमिक दुखी है, नागरिक दुखी है और कोरोना पर नियंत्रण भी नहीं हो रहा है। अमित जी, एक बड़ा सवाल उठाया है जिस तरह से राजीव जी ने अपना पक्ष रखा और इन तमाम मुद्दों को जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके सामने प्रस्तुत किया। गाइडलाइन को लेकर आपत्ति बीजेपी ने जताई है, ठीक है, ये भी अपनी जगह सही है कि हमेशा आप लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं, अनलॉक करने की प्रक्रिया भी होती है, जाहिर है कि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है, लगभग 4.5 महीने होने आए हैं। त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जो निर्धारित की गई थी खासतौर पर व्यापारियों के नज़रिए से कि जो समय निर्धारित किया गया था दुकानें खोलने का वो सुबह 6 से 10 बजे तक का था, उसको लेकर व्यापारियों ने आपत्ति जताई और अब अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू होने वाली है शुक्रवार से तो उसको लेकर भी बीजेपी आपत्ति जता रही है। तो कमी कहाँ है, कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या, क्योंकि कलेक्टरों के जिम्मेदारी सौंप दी गई है जिलों की, तो क्या प्रशासनिक तंत्र उस स्तर पर काम नहीं कर पा रहा है, इसके कारण बीजेपी सवाल उठा रही है। अपनी राजनीति से ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रही है और जिस प्रकार से मेरे भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे जी, मुझे बड़ी इस बात से बहुत दुख पहुंचा है, जिस प्रकार वो वक्तव्य दे रहे थे कि मजदूर परेशान है। भाई साहब, इस देश ने देखा है कि जो मजदूरों के लिए केंद्र सरकार को ट्रेन चलवानी थी वो ट्रेन तो नहीं चल पाई, बरसपत उन मजदूरों पर ही ट्रेन चल गई और ये जो केंद्र में बैठी हुई कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार तब भी नहीं जागी। और आप देखिए कि जिस प्रकार मजदूरों को अपने पैर पे ही भरोसा इस देश में करना पड़ा जी, क्योंकि उनकी केंद्र में बैठी सरकार लाचार थी, ये भी हमने देखा है। और अपने मंजिल तक जाने के लिए जिस प्रकार से हमारे मजदूर भाइयों को संघर्ष करना पड़ा, जिस प्रकार से बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए ये केंद्र में बैठी सरकार नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में बिजी थी
अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से ये लोकतंत्र को तार तार कर रही थी, जिनका संविधान और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं, अंकुश जी आपने देखा है, और जिस प्रकार की अभी ये बात कर रहे थे कि जो व्यवस्था इस केंद्र सरकार ने करके रखी थी ना, वो केंद्र बैठी सरकार के मुंह पे तमाशा है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि इसकी आवाज नहीं गूंज पा रही है, और ये बीजेपी के नेता आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। अरे ये अधिकारियों पे कह रहे थे कि अधिकारी को कंट्रोल नहीं, अधिकारी संभाल नहीं पा रहे। मैं धन्यवाद देता हूं समस्त अधिकारियों का जो बड़ी कर्मठता से पिछले 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस वालों हो, डॉक्टर हो, और समाज सेवी संगठन के लोग हो, जिस प्रकार से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो आगे आके लोग मदद कर रहे हैं, आज देखिए कि आज हमारा रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ का आप देख लीजिए, आज इनकी केंद्र में बैठी हुई सरकार की एजेंसी जब आंकड़े जारी करती है अंकुश जी, तो उसमें छत्तीसगढ़ को सेकेंड पोजिशन उसमें दिया जाता है कि कोविड में अच्छा काम करने के लिए। आज जो यहाँ सरकार बैठी है, आप देखिए कि जो CMI का आंकड़ा जो आ रहा है, उसमें भी आज आप देखिए कि चाहे लोगों को रोजगार देने का मामला हो इस संकट कोविड के संकट काल में, चाहे यहाँ के लोगों को रोजगार देने का मामला हो, सब में ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है। हमारा रेपो रेट बताता है, रिकवरी रेट बताता है कि सरकार यहाँ पर अच्छा कार्य कर रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज छत्तीसगढ़ में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ का जो आंकड़ा है, मैं कुछ तथ्य से लेके आया हूँ। देखिए 18 मार्च के पहला केस छत्तीसगढ़ में आया था, ठीक है, उसके बाद जब सौवा आंकड़ा आया तो वो डेट थी 19 मई, ठीक है, उसके बाद 62 दिनों के बाद 1000 मरीज हुए, और जिस प्रकार से पहले ही एम्स के डायरेक्टर जो दिल्ली में बैठे, उन्होंने कहा था कि हम सबके लिए अगर कोई चैलेंजिंग जो मंथ होगा, सबसे घातक जो मंथ होगा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त होगा, और कोरोना के संक्रमण जो है मरीज बढ़ेंगे, उसके अनुरूप अगर आप देखेंगे तो 10,000 मरीज जो है वो मरीज 62 दिन बाद हुआ है 4 अगस्त के अभी जो आया है, तो अगर आप देखेंगे 58 डेज के बाद वो पहुंचा है, तो जैसा उन्होंने कहा था जी। तो वो ही हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अंकुश जी कि हमने कलेक्टरों को जो अधिकार दिया है, सरकार के सामने दो दिक्कतें हैं, सरकार को लोगों का जीवन भी बचाना है, लेकिन व्यापारियों की जो मांग आ रही है, जो मजदूरों की मांग आ रही है, हमें उनकी जीविका भी बचाना है। तो हमने ये क्लियर कर दिया है कि जहां पर स्थिति अंडर कंट्रोल है, जहां पर स्थिति विस्फोटक नहीं है, तो अधिकार हमने कलेक्टर जिला प्रशासन को दे दिया है कि आप वहां के व्यापारियों के साथ बैठ के वहां की समीक्षा करिए, वहां के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठ के, अपने प्रशासन जिला प्रशासन के साथ बैठ के आप ये निर्णय लीजिए कि आपको क्या टाइमिंग रखना है, क्या आपको कितने दिन का वहां पर लॉकडाउन करना है कि अनलॉक करना है, ये सारा आप वहां के लोगों के साथ निर्णय करके करिए। देखिए हम तो पूछ भी रहे, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार ने किसी से पूछा नहीं, बेदर्दी से इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, और लॉकडाउन करने के बाद एक समय के बाद जब इनको समझ में आया कि हमसे नहीं संभल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया, किसी को कोई मदद नहीं करी। आज हम अपने संसाधनों से लड़ रहे हैं और उसके बाद अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है आपके केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, तो क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता मोदी जी के उन एजेंसियों पे भरोसा नहीं है? देखिए ये सब, और जिस प्रकार से आज हमने जो मीटिंग हुई है कलेक्टरों के, कलेक्टर मीटिंग और व्यापारियों की जो मीटिंग हुई है जी। आज सरकार की तरफ से सख्ती एक निर्देश दिया गया है कि अब सख्ती के साथ आप कार्य करिए, और जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स का फॉलो नियम का पालन आप करिए, और 50 मार्क अगर कोई व्यापारी के यहाँ कोई कस्टमर आता है वो मास्क नहीं पहना है, तो उसको पहले मास्क दीजिए, सैनिटाइज कराइए, उसके बाद ही उसको दुकान में करिए। और जांच दल बनाया गया है, जांच दल समय समय पे चेकिंग करेगा। शराब पर कुछ बोल दीजिए अमित जी, आपकी सरकार जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ाया है, शराब बेचने के नाम पे जिस प्रकार माना में, भमपुरी में, उरला में भीड़ उमड़ पड़ी है, तो आपकी सरकार की मंशा ये ज्यादा दिखती है कि कहां से ये इनकेन प्रकरण शराब की बिक्री बढ़े, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। अंकुश जी, अमित जी, मेरे मित्र से पूछ लीजिए कि इतनी ही अगर सरकार की चिंता थी तो राखी के समय बंद कर दिया गया जो
त्योहार था, सावन के सोमवार के समय मध्य प्रदेश में भी था सर, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बनता सर भोपाल पूरा, वो सवाल नहीं उठता है। लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा राजीव जी आपसे, जिस तरह से अभी अमित जी ने कहा कि 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में पहला केस आता है और 100 तक पहुंचने में लगभग 2 महीने का वक्त लगता है, प्रवासी मजदूर वापस आते हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से तादाद बढ़ती है सर, हर प्रदेश का ये हाल था, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, ऐसा उनका मानना है, तो विपक्ष किस बात को लेकर आपत्ति उठाएगा? आप कहेंगे कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे वहां पर आत्महत्या की है, जो क्वारंटीन हुए थे सांप के काटने से मौत हुई है, फांसी लगाकर उन्होंने जान दी है, कई मामले आए, लेकिन उसके अलावा भी कोशिश तो की है सर प्रदेश सरकार ने, आप मानते हैं या कई कमी रह गई? कोशिश कुछ नहीं किया है, इन्होंने चूना पोता है, जैसा अंकुश जी कहते हैं ना कि चूना पोत कर झूठ ढाकला भाजी से झा, तो इन्होंने अपना पाप ढकने के लिए इन्होंने झूठ बोला है। कोविड सेंटर नहीं, वो आत्महत्या सेंटर थे, और जिन जगहों पर इन्होंने अस्पताल बनाए वहां से भी कोरोना का विस्फोट होगा, ये बहुत गंभीर मामला है। जैसे पूरा पारा स्टेडियम आबादी के बीच में एक जगह था, वहां पर इन्होंने कोविड हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बनाया है, लेकिन नए राजधानी बहुत सारे जगह उपलब्ध है वहां इन्होंने नहीं बनाया, बहुत सारे छोटे छोटे अस्पताल जो खाली पड़े वहां इन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है ये कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चल रहा है, और उन अधिकारियों के हमारे शासन काल में कहते थे कि भ्रष्ट अधिकारी आप क्या बोल रहे हैं, अब हमारे जिनके पर आरोप लगाते अब इनको इन्होंने माथे पर बैठा के उनका दिशा निर्देश ले रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य अंकुश जी कि शराब का कारोबार जो अवैध रूप से जो सरकार खुद संचालित कर रही है उस शराब के कारोबार में ये सरकार लिप्त है, और देखिए जो सबसे ज्यादा अगर संख्या बढ़ी है वो बढ़ी इसलिए है कि इन्होंने शराब की दुकानों के सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली छूट दी है, और वहां भीड़ का हुजूम खड़ा रहता है, और सरकार की मंशा क्यों, हमारा तिजोरी भरे, हमारे घर का तिजोरी बने, हमारे राजस्व की वृद्धि हो, और जनता भाड़ में जाए, इनको जनता से कोई लेने देने, क्योंकि जानते हैं 5 साल का मौका मिला है, ये इनक्रीन प्रकरण हम कमा लेते हैं और 10 जनपद में पैसा भेज देते हैं और जनता भाड़ में जाए। ये जो नीति है जो शराब की वजह से जो जनता कोहराम मचा हुआ है, वहां से जो संक्रमण आप देखेंगे सोशल मीडिया में चल रहा है कि किस प्रकार से शराब दुकानों में 600-600 लोगों की 1000 की भीड़ आ रहा, कोई व्यवस्था नहीं, तो ये पूरी सरकार की आज जो लॉकडाउन भी हो रहा है वो इसलिए कि इनको शराब की चिंता बढ़ गई कि शराब दुकानें बंद है वहां से पैसा नहीं आ रहा है, तो ये सरकार पूरी तरह से केवल और केवल अपने शराब के अवैध कमाई में व्यस्त है, इनको जनता के स्वास्थ्य कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो कोविड सेंटर आप देख रहे हैं, जो कोविड सेंटर है क्वारंटाइन सेंटर है वो तो मौत का कब्रगाह बन गया है, वो मौत का घर बन गया है, तो वहां पे आज कल भी एक युवक ने फांसी लगाई, तो लगातार हो रहा है, सरकार गंभीर नहीं है, अस्पताल खुद आईसीयू की स्थिति में, सरकारी अस्पतालों में व्यापक इंतजाम नहीं है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोरोना में ये जो संख्या वृद्धि बढ़ रही है जो मेरे मित्र कह रहे थे ये आपकी लापरवाही से, आपके दुर्नीति से, आपके कुप्रबंधन से बढ़ रहा है, तो उससे आप थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा जनता के प्रति ध्यान दीजिए, और जिन अधिकारियों को आप गोद में बैठा के दिशा निर्देश ले रहे हैं उन अधिकारियों का मौत छोड़िए और मैदान पर आइए, आप खुद एसी कमरे में बैठे और उन एसी कमरे में बैठे अधिकारियों से दिशा निर्देश ले रहे हैं जो जनता के बीच में जाते नहीं है, जिनको कुछ सरोकार नहीं है, तो भगवान बचाए इन अधिकारियों से, भगवान बचाए जी कोरोना से जी। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप भी अपना पक्ष रखिएगा जो आप जवाब देना चाह रहे हैं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि कोरोना के हालातों को लेकर जब छत्तीसगढ़ में अचानक से बूम आता है तो उसको लेकर सुविधाओं को लेकर सवाल उठते हैं कि बिस्तरों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, अलग अलग जिलों से ये भी मामले निकल कर सामने आए कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, लोगों की ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में ये खतरा बढ़ सकता है। दूसरा ये सवाल है कि बीजेपी हमला बोलते हुए आ रही है इन मामलों को लेकर, तो आने वाले वक्त में चूंकि अभी अनलॉक जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उस पर बीजेपी ने सवाल उठाया, तो कहीं अगर कोई चूक होती है तो क्या उसकी गाज कलेक्टरों पर गिरेगी कि कहीं ना कहीं कोताही उन्होंने बरती है, या उसको लेकर कोई अलग व्यवस्था है प्रदेश सरकार की? और उसके अलावा ये कोरोना काल जो है छत्तीसगढ़, आपने खुद जिक्र किया कि 18 मार्च को एक केस था और 100 तक पहुंचने में 2 महीने का वक्त लगा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि मैं वॉच कर रहा हूं उस बात को, लेकिन अचानक से बूम आता है सर तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, तो उस बारे में क्या कहना आपका? देखिए
देखिए अंकुश जी, सबसे पहले तो मुझे मेरे जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं जी, बड़ा दुख का विषय है कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग आज किया, ठीक है, और विद्वान प्रवक्ता है जी, उस पे मेरी उनके शब्दों पे आपत्ति है, ठीक है, कि बीजेपी जो अरब अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रही है उससे उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है। आज आप देखिए कि देश में जिस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण जो जिस बेकाबू होता दिख रहा है, जो रफ्तार बेकाबू की हो गई है, 19 लाख से ज्यादा पेशेंट ठीक है, ठीक है, हो गए हैं और 40,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं जी जी, और उसके बाद जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में ये कह रहे थे, तो मैंने जैसा कहा ना कि यहाँ पर कोई बेड की कमी नहीं है, अगर आप देखेंगे एम्स में 500 बेड, एम्स में मेकाहारा में अगर आप देखेंगे तो 500 बेड है, और लगातार हम बेड बढ़ाने की और हम प्रयास भी कर रहे हैं, माना में 120 बिस्तर, और भी अगर आप देखेंगे लालपुर में 84, आयुर्वेदिक कॉलेज में हमने बनाया है 400 बेड का हॉस्पिटल, ऐसा करके अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,2500 बेड है हमारे पास, उससे कहीं ज्यादा, ठीक है, और जो बिना लक्षण वाले इलाज के लिए हमने 4,000 बेडों का इंतजाम भी किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको जिस प्रकार के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, तो उस देश की जनता ने ये भी देखा है कि नोटबंदी के बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके बेटे की कमाई कैसे अचानक बढ़ गई, उसकी जवाब आज तक बीजेपी नहीं दिया है। जिस प्रकार नोटबंदी के बाद जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके बैंक से सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसफर हुआ, उसका डिटेल इन्होंने आज तक नहीं दिया है। चलिए वो तो पुरानी बात हो गई सर, देखिए देखिए पुरानी बात नहीं, आज तो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से पैसा जा रहा है, ये वो कर रहे हैं। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, राजीव भाई आपके पास अगर कोई प्रमाण है जी, तो आप जिम्मेदार विपक्षी भूमिका निभाइए। बिल्कुल जिम्मेदारी है, और घर घर में कोने कोने से आवाज आ रही है कि ये सरकार शराब की अवैध कमाई के चक्कर में कोरोना का संक्रमण फैला रही है। जी चलो हम कोरोना पर लौटते हैं जी, प्रमाण के साथ जाइए, और जिस प्रकार आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे वो लोग जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने जैसा कहा कि आप लोग जो विपक्ष में बैठे हैं आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप लोग का नैतिक दायित्व बनता है कि आप उनका मनोबल बढ़ाएं, ऐसे समय में भी राजनीति ना करें, लेकिन आप लोग एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। आप लोग अगर संक्रमण रोकेंगे तो हम राजनीति नहीं करेंगे, ये बात तय हो जाती है आज। समझदारी दिखा, आप लोग अगर संक्रमण रोकेंगे अमित जी, जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन आप लोग क्या कर तो रहे? आप लोग संक्रमण रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, आप लोग शराब की बिक्री बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, इस पर शराब का सवाल की रोकथाम हो, कोरोना की रोकथाम हो, इसमें आपकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। बोलिए शिव माथा जी, बोलिए जी, बोलिए। एक आदेश से जब आप नोटबंदी कर सकते हैं, एक आदेश से आप मोदी जी के जीएसटी लगवा सकते हैं, एक आदेश से कहा आप पूरे देश में शराब नहीं बंदी करा देते, कहा नहीं करा देते आप, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में आप ऑनलाइन शराब बेच रहे हैं, घर पहुंच सुविधा दे रहे हैं, यहाँ पर भी बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन शराब बेच रहे हैं। चलिए हम शराब पर नहीं जा रहे हैं, मेरा ये सवाल था सर श्रीवास्तव जी, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जानूंगा कि जिले के जो कलेक्टर हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो अपने मुताबिक कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट घोषित कर रहे हैं, चिन्हांकित कर रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन रहेगा, लेकिन ऐसे में कोई चूक होती है तो क्या जिम्मेदार ये माने जाएंगे? क्योंकि देखिए विपक्ष तो सवाल उठाएगा, अभी भी उठा रहे हैं प्रवक्ता साहब बीजेपी के, और आगे भी हो सकता है इस मुद्दे पर हम आगे और बैठे इसी मुद्दे को लेकर, तो फिर सवाल उठे जाएंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा सर अगर मान लीजिए काबू में नहीं आता है कोरोना? तो जी पहले तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जी, छत्तीसगढ़ में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमारे अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जी जवाबदारी हमारी है और हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, हमारे यहाँ तो सुपर सीएम सीएम हाउस में बैठ के नहीं चलाता अधिकारियों को, ये वही अधिकारी है जो इनके टाइम में भी थे, आज वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी प्रशासनिक कमावट है, हमें आता है कि इन्हीं अधिकारियों से कैसे काम करा लिया, हम उनसे काम ले रहे हैं और वो बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से विरोध के लिए अधिकारियों अधिकारियों को बदनाम करने के लिए कैसे इनको बदनाम करें, ये बीजेपी को कम से कम इस संक्रमण काल में बंद करना चाहिए, क्योंकि सावधानी के साथ हम कोरोना के साथ जीते जो युद्ध है वो जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये प्रयास कर रहे हैं इससे इनको बाहर आना चाहिए, इनको वक्त आने पर जनता इनको सबक दिखाएगी। चलिए ठीक है, बहरहाल हमारे पास समय की कमी है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं।
तो निश्चित तौर पर सियासी घमासान लॉक अनलॉक पर जारी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए, रायपुर की बात की जाए, तो अनलॉक की तरफ अब रायपुर बढ़ेगा। लेकिन कोरोना का कहर अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है, ये बात बीजेपी दोहरा रही है। हम तो कहीं पूरे देश या पूरे विश्व में अभी कोरोना गया नहीं है, लेकिन यह भी हकीकत है कि आप ज्यादा वक्त तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, यहां पर भी भोपाल में लॉकडाउन चला, 10 दिनों बाद फिर खुला, समय भी बढ़ाया गया बाजारों के खुलने का। लेकिन एक रूपरेखा रणनीति जो तैयार है उसको लेकर विपक्ष यानी कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आपत्ति उठाई। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि जो रणनीति हमने बनाई है, कलेक्टरों को जो जिम्मेदारी सौंपी है जिलों के मुताबिक, उस पर वो खरा उतरेंगे और कोरोना महामारी जो पैर पसार रही है उस पर हम काबू पाएंगे, जीत हासिल करेंगे। यही सभी की मंशा है कि कोरोना हारेगा देश जीतेगा, क्योंकि देश सबसे पहले है। चलिए हमारे खास पेशकश में ताही डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।